हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क कमिटीज एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड. दिस टॉपिक वी विल कवर इन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ओके, विच इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्रियल लॉ. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वर्क कमिटी एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड. सो द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग वर्क कमिटी एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड are different. A work committee is formed to prevent the industrial dispute, okay, whereas a conciliation board is formed to settle the industrial dispute. Okay, again I am repeating, a work committee is formed to prevent industrial dispute, whereas conciliation board is formed to settle the industrial dispute. There are such points which are related to distinction between them. So let's start. Work committee, कॉन्सिलिएशन बोर्ड. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिफरेंस इज फॉर्मेशन. इट इज फॉर्म्ड, अगर हम वर्क कमिटी की बात कर रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड. स्टूडेंट हैंड टू हैंड आई एम राइटिंग, सो यू आपके थोड़े नोट्स भी यहां पे प्रिपेयर हो जाएं. इट इज फॉर्म्ड व्हेन in an industrial establishment hundred or more workers employed or have been employed on any day during last 12 month. ठीक है, तो वर्क कमिटी फॉर्म होती है जहां 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी डे में, और ड्यूरिंग लास्ट मंथ उन्होंने काम किया हो. ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सिलिएशन बोर्ड की बात कर रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो कॉन्सिलिएशन बोर्ड को जो भी इंडस्ट्री के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फॉर्म करती है. इट इज फॉर्म्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हेन एन industrial dispute arise or is apprehended. Okay, तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वर्क कमिटी इज फॉर्म टू द प्रिवेंट इंडस्ट्रियल ड्यूट और कॉन्सिलेशन बोर्ड इज फॉर्म टू द सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, तो फॉर्मेशन की बात करें तो वर्क कमिटीज फॉर्म की जाती हैं बाय द इंडस्ट्रीज. ठीक है, जहां 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सिलिएशन बोर्ड को जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती, फॉर्म करती है. ठीक है, अब वर्क कमिटी को फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट मेजर द सिक्योरिंग. सेकेंड यहां पर हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट its object is to promote measures for securing and preserving amity
and good relation, good relation between employer and workman. ठीक है, तो जो वर्कमैन वर्क कमेटी को जो फॉर्म किया जाता है, इसीलिए फॉर्म किया जाता है ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वर्कमैन के रिलेशन हेल्दी रहें. सो दैट्स वाई द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म द वर्क कमेटी इज टू प्रमोट एंड मेजर द सिक्योरिंग द प्रिजर्विंग अमिटी एंड गुड रिलेशंस. ओके, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सिलिएशन बोर्ड की, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू ब्रिंग अबाउट, इट्स ऑब्जेक्ट is to bring about an amicable settlement of dispute. यानी कि किसी dispute के settlement के लिए इसको form किया जाता है, settlement of dispute. ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स. तो अगर हम वर्क कमिटी की बात कर रहे हैं, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकॉर्डिंग टू रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 20. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड 20. ठीक है, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो 20 होनी चाहिए. इट कंसिस्ट अ चेयरमैन, अगर हम कॉन्सिलिएशन की बोर्ड की बात कर रहे हैं, इट कंसिस्ट अ चेयरमैन एंड टू और फोर मेंबर एंड फोर मेंबर्स एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट, एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट. ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है स्टूडेंट, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द एम्प्लॉयर, इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय एम्प्लॉयर. जो वर्क कमिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड, इट इज constitute by appropriate government. Okay, fifth number पे हम बात कर रहे हैं, next difference जो कि है method of appointing members. There are equal number of representatives of employer and workmen. Okay, equal number of representative of employer and workmen. The president is employer representative, the vice president is work representative. ठीक है, president is employer representative और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव होता है. वाइस प्रेसिडेंट वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं कॉन्सिलिएशन बोर्ड की, द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मेंबर्स आर
अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जितने भी मेंबर हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दे आर नॉमिनी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, नॉमिनी ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, हाउएवर द चेयरमैन इज इंडिपेंडेंट पर्सन, चेयरमैन इज इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन वर्क कमिटी एंड कॉन्सिलेशन बोर्ड। सो एंड अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज नोट डाउन एंड प्रिपेयर वेरी केयरफुली, ओके। एज वेल एज द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड कॉन्सिलेशन बोर्ड, दैट दिस टॉपिक वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। होप सो यू विल एन्जॉय एंड अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, ओके स्टूडेंट्स। तो अगेन एक बार बता देता हूँ डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, फॉर्मेशन के ऊपर है, जिसको इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर किसी इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे कॉन्सिलेशन वो वर्क कमेटी को फॉर्म किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और कॉन्सिलेशन बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेंबर होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, वो सॉरी वर्क कमिटी में, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 20 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और कॉन्सिलेशन बोर्ड में जो मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 और 4 मेंबर्स होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। वर्क कमिटी को ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वर्कर और वर्कर्स एम्प्लॉयर वर्कर्स वर्कमैन के बीच वो हेल्दी रहने चाहिए, ठीक है। और कॉन्सिलेशन बोर्ड को सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए फॉर्म किया जाता है, ठीक है, ओके। और ओके, दीज आर द डिफरेंस, थैंक यू वेरी मच।